नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। गुरुग्राम में व्योम यानी वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन शहर के वेस्टर्न होटल में चल रहा है। देश में पहली बार ये बैठक गुरुग्राम में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल हुए। इस बैठक में भारत की मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की जाएगी और इसके विकास के लिए योजना भी बनाई जाएगी। बैठक में केंद्रीय राज्य कृषि और पंचायती राज मंत्री परसोत्तम रूपवाला भी मौजूद रहे। व्योम की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन देश भर की मंडियों को लेकर चर्चा की गई। विदेशों से आए डेलीगेट्स ने मंडियों के विकास पर अपने देशों में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी, साथ ही भारतीय मंडियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने डेलीगेशन के सदस्यों को भारतीय मंडियों के बारे में बताया। इस बैठक का उद्देश्य मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। ये पहली व्योम की कॉन्फ्रेंस भारत में हरियाणा में संपन्न हो रही है और होलसेल मार्केट से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेज हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं, 2 दिन में 11 और 12 तारीख को ऐसे सारे इश्यूज पर यहाँ चर्चा होने वाली है कि होलसेल मार्केट्स किस प्रकार से परफॉर्म करें, दुनिया की सभी होलसेल मार्केट्स की क्वालिटी कैसे अच्छी होती जाए, कोल्ड चेन और कैसे बेटर हो, पैकेजिंग और कैसे बेटर हो, वेस्ट कम से कम कैसे कम होता जाए, फूड क्वालिटी कैसे मेंटेन हो और किसान और कंज्यूमर यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बेनिफिट्स किस प्रकार से सुरक्षित हों। देश की मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। दुनिया में कई मंडियां हैं जो 1000 या 500 एकड़ में फैली हुई हैं, लेकिन उनका वेस्ट 0% है या वेस्ट से ऊर्जा बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पैकेजिंग के साथ ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी व्यवस्था है। ट्रांसपोर्ट के चलते किसानों को काफी समस्या होती है। विदेशों में मंडियों से निकलने वाले वेस्ट का उपयोग ऊर्जा के लिए भी किया जा रहा है। इस बैठक का उद्देश्य विदेशी तर्ज पर भारत में ऐसी ही मंडियों का विकास करना है। हम 4 बड़ी बिग मार्केट्स अभी डेवलप करने जा रहे हैं। एक गन्नौर की 6000 एकड़ की हमारी मार्केट जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन में है और तुरंत उस पर काम शुरू करना चाहते हैं। ऐसे ही गुड़गांव में एक फूल मंडी फ्लोरा मार्केट, नीदरलैंड की रॉयल फ्लोरा मार्केट के साथ हम डेवलप करने जा रहे हैं। ऐसे ही एक स्पाइसेस की मसाले की मंडी जो है वो हम सोनीपत में डेवलप करने जा रहे हैं और उसके साथ ही पिंजौर में जहाँ HMT थी वो 250 एकड़ में एप्पल मंडी विकसित करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दुनिया की बड़े बाजारों को नियंत्रित करने वाले लोगों के अनुभव वो हमको काम आएंगे। बैठक के दूसरे दिन डेलीगेट्स दिल्ली के आजादपुर मंडी और सोनीपत स्थित गन्नौर मंडी का विजिट करेंगे। डेलीगेट्स इन मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, इसके बाद मंडियों के विकास को लेकर अपने आइडिया शेयर करेंगे। गुरुग्राम से सूरज दोहन की रिपोर्ट।